है ना ग्रूट? अरे फव्वारे का पानी मत पी चिरकुट, जुलाब हो जाएगा। बिल्कुल पिया, अभी तो पिया मेरे सामने, झूठ मत बोल। लोग हमें मुजरिम कहते हैं, जबकि असली जुर्म तो इस चिकने ने ऐसी हेयर स्टाइल रखकर किया है। और ये सैंपल देखो, कैसे येड़ा बनकर पेड़ा खा रही है। इतनी बड़ी हो गई, खुद क्यों नहीं चलती बदसूरत बंदरिया? भाग ले बच्चू भाग ले, पर भागने वाले भूत अपनी लंगोटी तो संभाल। तड़प इंसानी कीड़े। तेरी किस्मत अच्छी है कि छमिया आ गई, वरना मैं और ग्रूट इस वक्त इनाम ले रहे होते और योंडू और उसके पट्टर तेरा गेम बजा रहे होते। अरे कई सालों से लोग मेरा गेम बजाने के चक्कर में, तो अब मैं एक पेड़ या बकबक करने वाले रकून के हाथों नहीं मरने वाला। रकून क्या होता है? वही जो तू है गधे। नर हो या नारी, मैं हूँ सब में भारी। हाँ यार, तू यही बात 100 बार बोल चुका है, रिकॉर्ड अटक गया है तेरा, आगे भी बढ़ेगा, इसके दिमाग में भूसा भरा है क्या? एक्चुअल में इसे ठीक से बोलने को नहीं आता, इसको खाली 3 ही चुवड़ आता है, मैं और हूँ और ग्रूट, बिल्कुल इसी स्टाइल में। हाँ ठीक है, इसे थोड़ी सी ट्रेनिंग देते हैं। एक बात अपने कान में तेल डालकर सुन लो, ये बंदा अब उनका माल है, अगर इसे हाथ भी लगाना हो तो पहले हमसे निपटना होगा, और नहीं तो हम तुमसे निपट लेंगे, समझे? मैं इनके साथ हूँ। देख मेरे पास एक ही प्लान है, और उस प्लान के लिए वो मनहूस बैटरी चाहिए, तो झट मार के ले आ। अब ये ध्यान से सुन, जैसे ही बैटरी निकल गई सारे भोपू बजने शुरू हो जाएंगे, एक बार बैटरी हाथ लग गई तो हमें यहाँ से कटना पड़ेगा, इसलिए तुझे बैटरी लानी होगी लास्ट में। अबे भोंदे, अपने सामान के बगैर मैं इन चीजों से लड़ूंगा कैसे? खबरदार जो मुझे डिक्शनरी कहा तो। यार मजाक कर रहा हूँ, ये सिर्फ सीधी भाषा ही समझता है, ऐसी बातें इसके सर के ऊपर से जाती है। मेरे ऊपर से कुछ नहीं जाता। इन सालों ने मेरी पैंट की वाट लगा दी, तेरी वाली इस्त्री करके रखी। ओके, जब खुद की जान पर आ जाए तब ये काम आएगा, या फिर चांद तारे उड़ाने हो तो। कोई चांद मान नहीं उड़ाने वाला। करेला खाकर पैदा हुई थी साली। इसे लगता है कि मैं कोई फुद्दू चीज हूँ, कोई मजाक हूँ। मैंने थोड़ा ही कहा था कि मुझे ऐसे बनाओ, मैंने थोड़ा ही कहा था कि मुझे बार बार तोड़कर मरोड़कर एक छोटा सा भद्दा सा बदमाश जानवर बनाओ। रॉके, तुझे कोई जानवर नहीं बुला रहा। उसने मुझे छछुंदर कहा, इसने मुझे चूहा कहा। बक बक बक, वो सब तो ठीक है बीड़ू, पर हमें हमारी पेमेंट चाहिए भाया। अबे तू इसे अब भी लेकर क्यों घूम रही है? हम कर भी कह सकते, इसे यहीं छोड़ दे। यकीन नहीं होता कि इसे तूने अपने पर्स में रखा हुआ था। ये पर्स नहीं है, शोल्डर बैग है। नहीं ग्रूट, ऐसा मत कर, तू मर जाएगा। क्यों कर रहा है तू ऐसा, क्यों? हम है ग्रूट। एक सवाल, अगर कोई ऐसी चीज हो जिसे मैं लेना चाहूं पर वो किसी और की हो तो? तो तुम गिरफ्तार कर लिए जाओगे। पर वो चीज उससे ज्यादा मुझे चाहिए हो तो? तब भी गैर कानूनी। ये क्या बात हुई, आप उनको मांगता है चाहे साहब, तो फिर तुम लोगों को देखकर लगता है कि तुम्हें बचपन से ही पी लिया है। ज्यादा पी ली थी क्या? तुमने रॉकेट का हवाई जैकेट क्यों नहीं पहना है? दुखता है। दुखता है? हाँ, मेरी छाती छिल जाती है। चुन्नू मुन्नू दुखते हैं माचो बहन के। नहीं, नहीं था कि आप इतने उदार हो। बड़े दुख की बात है कि ये सॉवरेन वाले इतने दयावान पर्सनालिटी के जान के पीछे पड़े। सही पकड़े। अबे खींच रहा था तेरी ढक्कन। या यार, खिंचाई करते वक्त बताना तो चाहिए ना, देख मेरा पोपट हो गया। गित्ता और बबीता, ये आंखों में सूरमा लगाकर बेवकूफ चूहे। मुझे चूहा मत बोल। सॉरी यार, मैंने तुझे चूहा बोला, तू तो छछुंदर है मेरे भाई। छछुंदर ठीक है? मुझे नहीं पता। उससे भी बुरा है, बद से भी बदतर है। तेरी भैंस को भोपाल। माफ करना, लेकिन तेरा नाम क्या है? तेज और फेस। सही सुना। तुम्हारे पिछवाड़े से लेजर निकलते हैं क्या? कर की आंख है, वो सोते वक्त उसे निकाल देता है। जाओ फिर से देखो। पर ये आंख यहीं छोड़ के जा। पर क्यों? क्योंकि कल सुबह उसके पास अपनी आंख ढूंढने के लिए आंखें नहीं होगी।
रात को जब तू सोएगा तो तेरा तकिया गीला होएगा और तू रोएगा और पूछेगा कि ये क्या है, क्योंकि मैं वहाँ गीला कच्चा छोड़ूंगा। अगर तूने ऐसा कुछ भी किया ना तो तू तो गया। वो मेरा कच्चा नहीं होगा, ड्रैक्स का होगा। मैं तो कच्चा पहनता ही नहीं। बादस्तूर मुख्तलिफ और मुसलसल, यहाँ हर एक शख्स को लेबोरेटरी में खास डीएनए से पैदा किया जाता है। बच्चे पैदा करने का मुझे तो सिर्फ एक ही तरीका आता है। अच्छा, कभी हमें भी तो अपने तरीके से वाकिफ कराइए, देखे तो सही आपके तरीके में कितना दम है। मैं ये सोच के हंस रहा हूँ कि तेरी माँ ने क्या सोचकर तेरा नाम टेजर फेस रखा होगा। तू रोज आईने के सामने खड़ा होकर कहता होगा, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ टेजर फेस। बेटर करा मेरा हंसा उसके। अच्छा अच्छा, तुझे घर पे क्या बुलाते हैं? गोटिया पठान। तेरी ये बंदूक कितने में देगा? औकात में रहे। अच्छा तो फिर ये हाथ मुझे दे दे। अरे शादी के लिए नहीं मांग रहा हूँ। वैसे अगर किस्मत में यही लिखा है कि तुम उस कालाकांडी की जान लो तो एक हाथ से काम नहीं चलेगा। ये क्या है, लिखता नहीं है क्या? कॉन्ट्रैक्ट या नाम के ग्रह पे एक चिरकुट मुझसे शर्त हार गया और उसने अपनी आंख निकल के दी। नहीं, शर्त में तो पैसे ही जीता था, आज तो रात को उसके रूम में जाकर चोरी की। यहाँ तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। रूट वीडियो गेम खेलना बंद करो यार, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। रूट तेरे तो पर निकला है छोटे। जब से जवानी फूटी है कुछ ज्यादा ही चर्बी आ गई है। मतलब थैनोस से है और उससे ज्यादा डेंजर कोई नहीं है। वो अभी तक मुझसे नहीं भिड़ा। भिड़ चुका है। पहली बॉल तो ट्रायल होती है। तुम तो इस जहाज की कप्तान लग। बड़ी पार की नजर है। तुम एक महान कप्तान होगी। मेरे साथ इंटरबिलियर के सफर पर चलेंगे हुजूर? आप जरा एक बार अपने कप्तान से पूछ लो। एक मिनट रुको, वो तो मैं ही हूँ। अवश्य चलेंगे। असली कप्तान तो मैं हूँ। खामोश। पता है तू वहाँ सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि वहाँ थैनोस नहीं है। यार तुझे ना अपने कप्तान से बात करने की तमीज नहीं।